सब्सक्राइब करें मेरे चैनल शिप्रा जोशी को और बेल बटन पर क्लिक करें लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप भी बिना फालतू खर्चा किए बिल्कुल बजट में हलवाई जैसी स्वादिष्ट मिठाई बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिर्फ 15 मिनट में 3 मेजर चीज़ों से बिल्कुल सस्ते में बनी ये ज़बरदस्त टूटी फ्रूटी बर्फी की रेसिपी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस को मीडियम फ्लेम पर सेट करके एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। मेल्ट होने देते हैं इसको पूरा। फिर हम इसमें मिला देंगे 3/4 कप मैदा। लगातार चम्मच से चलाते हुए भून लेते हैं इसको घी में। ये बर्फी बनाते समय आप मेजरमेंट के लिए 1 कप सेट कर लीजिए और फिर सारी चीज़ें उसी से नापते रहिएगा। 3-4 मिनट हमें मैदा को इसी तरह सेक लेना है। ये देखिए थोड़ी देर में ऐसा रंग हो जाएगा इसका। फिर आप ऐड कीजिए 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। मिला देते हैं इसको। मिल्क पाउडर डालने से बर्फी में बहुत ही ज़बरदस्त मावे वाला टेस्ट आएगा, इसलिए ज़रूर डालिएगा इसे। मार्केट में बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा आपको। अब हम गैस बंद करके इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे और दोबारा कढ़ाई चढ़ाकर चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए गैस को हाई फ्लेम पर सेट करके आप कढ़ाई में डालिए 1/2 कप चीनी और 1/2 कप पानी। एक बार मिला देते हैं इसको ताकि चीनी पानी में अच्छे से घुल जाए। यहाँ पर हमें एक तार की चाशनी बनानी है। हाई फ्लेम पर करीब 3-4 मिनट लग जाएंगे इसमें। जब तक ये चाशनी तैयार होती है आप बर्फी को जमाने के लिए जो भी ट्रे या प्लेट का यूज़ करेंगे उसे इस तरह घी लगाकर ग्रीस कर लीजिए। चलिए अब चाशनी चेक कर लेते हैं। ये देखिए एक तार बनने लगा है इसमें, इसका मतलब अब ये रेडी है। तुरंत आप इसमें पहले से सेक कर रखी हुई मैदा डाल दीजिए। मिला देते हैं इसको। अच्छे से घोलकर एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिएगा ताकि इसमें गुठलियां ना रहें। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून लाल टूटी फ्रूटी। ये ऐड करना ऑप्शनल है, पर अगर आपको आसानी से मिल जाए तो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इससे मिठाई देखने में तो सुंदर लगती ही है, साथ ही साथ टेस्ट में भी लाजवाब हो जाती है। इस पॉइंट पर हम गैस बंद कर देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मिक्सचर कढ़ाई से अलग होने लगा है। बिल्कुल परफेक्ट बर्फी वाली कंसिस्टेंसी आ गई है इसकी। अगर किसी वजह से इसका ये टेक्सचर ना आ पाए और ये ज़्यादा हार्ड हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर ठीक कर सकते हैं उसे। ये टिप मुझे एक हलवाई की ही बताई हुई है जो कि बहुत काम आती है। अगर आपके साथ भी मिठाई बनाते वक्त इस तरह की कोई गड़बड़ हो जाए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। इसके बाद हमें इसे ठंडा नहीं करना है, सीधा ग्रीस किए हुए बर्तन में डालकर अच्छे से स्पैचुला की मदद से सेट कर देना है। यहाँ पर मैंने एक केक टिन में ही जमा दिया है इसको। आप इसकी जगह थाली या फिर बर्फी वाली ट्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी टूटी फ्रूटी और डाल देते हैं ऊपर से साथ में। हल्का हल्का प्रेस कर देते हैं ताकि ये बर्फी से बाहर ना निकले। इसके बाद हम चांदी वाला जो वर्क मिठाई पर लगाया जाता है वो लेंगे और इस पर लगा देंगे। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। त्यौहार पर जब मेहमान घर में आए तो ट्रे में रखी ये बर्फी बिल्कुल बाजार वाली मिठाई जैसी लगे, बस इसीलिए किया है मैंने ये। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दीजिए। चलिए अब इसे 10 मिनट जमने देते हैं।
फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर जम जाती है। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे कट कर लेंगे। सिंपल घर वाला जो नाइफ होता है उसी से आराम से कट जाएंगी ये। आप अपने पसंद की कोई भी शेप दे सकते हैं इनको। ये देखिए इस तरह की दिखेंगी ये फाइनली। लग रही है ना ज़बरदस्त। बहुत ही सिंपल सी चीज़ों को यूज़ करके बिल्कुल कम खर्चे में बन जाती है ये। टाइम भी काफ़ी कम लगेगा, आप बर्फ़ी फटाफट तैयार कर सकते हैं। तो बस ये थी हमारी हलवाई जैसी टूटी फ्रूटी बर्फ़ी की रेसिपी। आप इसे घर पर ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।